नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। जहां पिछले वीडियो इंदौर वर्सेस जयपुर में आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया था, आज हम करेंगे गुजरात के प्रमुख शहर अहमदाबाद और महाराष्ट्र के प्रमुख शहर पुणे के बीच में कंपैरिजन। तो चलो करते हैं शुरुआत। अहमदाबाद का पुराना नाम कर्णावती था। सुल्तान अहमद शाह ने कर्णावती से बदलकर इसे अहमदाबाद कर दिया और अपनी राजधानी स्थापित कर दिया। अहमदाबाद 162 साल यानी 1411 से 1573 तक इस सल्तनत की राजधानी रहा। और वहीं हम पुणे की बात करें तो पुणे की स्थापना 1436 में की गई थी। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने पुणे का नाम मुहियाबाद कर दिया। उसके बाद फिर से पुणे किया गया। अब बात करें दोनों ही शहरों की भारत में कितनी रैंक है स्वच्छता और प्रदूषण के मामले में, तो अहमदाबाद स्वच्छता के मामले में 10वां स्थान है और वहीं पुणे का 5वां स्थान है। प्रदूषण के मामले में अहमदाबाद का 6वां स्थान है और वहीं पुणे का 79वां स्थान है। अब बात करते हैं दोनों ही शहरों की जनसंख्या के बारे में। अहमदाबाद की जनसंख्या 2022 के आंकड़ों के अनुसार 84,50,000 से अधिक है और वहीं पुणे की जनसंख्या 69,87,000 से अधिक है। और हम जीडीपी की बात करें तो जागरण जोश की रिपोर्ट के अनुसार अहमदाबाद की जीडीपी 68 बिलियन US डॉलर है, जो भारत की 8वीं सबसे बड़ी जीडीपी है। और वहीं पुणे की जीडीपी 69 बिलियन US डॉलर है, जो भारत की 7वीं सबसे बड़ी जीडीपी है। दोस्तों, दोनों ही शहरों के एरिया के बारे में बात करें तो अहमदाबाद शहर का एरिया 505 किलोमीटर पर स्क्वायर है और वहीं पुणे शहर का एरिया 516 किलोमीटर पर स्क्वायर है। अब बात करते हैं रिलीजन की, यानी शहर में किस धर्म के लोग कितने हैं। बात करते हैं अहमदाबाद की तो यहां पर 83.76% हिंदू, 12.24% मुस्लिम, 0.70% ईसाई, 0.20% सिख, 0.06% बुद्धिज्म, 2.90% जैन, 0.03% अन्य और 0.10% अघोषित रहते हैं। अब बात करते हैं पुणे की तो पुणे में 79.43% हिंदू, 11.03% मुस्लिम, 2.17% ईसाई, 0.43% सिख, 3.94% बुद्धिज्म, 2.45% जैन, 0.20% अन्य और 0.35% अघोषित रहते हैं। इन सब के बाद अब बात करते हैं कुछ खाने पीने की। अहमदाबाद गुजरात का प्रमुख शहर है और जहां गुजरातियों की बात होती है वहां खाने पीने की बात जरूर होती है। अहमदाबाद में जहां आपको खाखरा, खमन, दाल वड़ा, रगड़ा पेटीज, कीमा समोसा, कुल्फी, फाफड़ा जलेबी, ढोकला, मस्काबून, भुना गोश्त, जलेबी और आइस गोला खाने को मिल सकता है। और वहीं पुणे की बात करें तो यहां पर आपको वड़ा पाव, मैंगो मस्तानी, भाकरवाड़ी, खीमा बेन मस्का, बाहुबली थाली, साबुदाना वड़ा, दाबेली, पाव भाजी, स्प्रिट डोसा खाने को मिल सकता है। अब बात करते हैं किराए की तो अहमदाबाद में टैक्सी के 1 किलोमीटर का किराया औसतन 14 रुपये है और पुणे में टैक्सी के 1 किलोमीटर का किराया औसतन 9 रुपये है। अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट भारत का 9वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और वहीं पुणे का पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का 16वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अब बात करते हैं प्रमुख घूमने फिरने की जगह की तो अहमदाबाद में प्रमुख घूमने फिरने की जगह है गांधी आश्रम, साबरमती रिवर फ्रंट, अदलाज स्टेपवेल, ऑटो वर्ल्ड विंटेज कार म्यूजियम, अहमदाबाद वन मॉल, हाथी सिंह जैन टेम्पल, लोथल, गुजरात साइंस सिटी, रिवर फ्रंट फ्लावर पार्क आदि हैं। और वहीं पुणे की बात करें तो पुणे में
फ्योनिक्स मार्केट सिटी, सिंहगढ़ किला, NUCC मंदिर, नेशनल डिफेंस एकेडमी, पुणे ओकियामा फ्रेंडशिप गार्डन, श्री बालाजी मंदिर, हलवाई गणपति मंदिर, राजगढ़ किला, आमनोरा मॉल, दर्शन म्यूजियम आदि है। तो दोस्तों आज के लिए बस।